एक दिन में तीन तीन विमान हादसे, मध्य प्रदेश के मुरैना के पास बड़ा विमान हादसा, वायुसेना के दो विमान हादसे का शिकार हुए। मुरैना में सुखोई 30 और मिराज क्रैश हुए, वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि सुखोई 30 और मिराज दोनों विमान सुरक्षा अभ्यास में शामिल थे, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। मुरैना के कलेक्टर के मुताबिक दो पायलट बचा लिए गए हैं, ग्वालियर से एयरफोर्स की टीम मुरैना के लिए रवाना हुई। भरतपुर में चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर ने आगरा से उड़ान भरी थी। जमीन पर गिरते ही चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में आग लगी, स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आज राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी, इस दौरान पीएम मोदी भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी मंदिर में पूजा करेंगे, साथ ही यहां हो रहे हवन में भी शामिल होंगे। पूजा के बाद पीएम मोदी यहां एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम का 4 महीने में यह तीसरा राजस्थान दौरा है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सनातन धर्म पर शुरू हुए विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सीएम योगी ने कहा सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित रहता है। सीएम योगी ने कहा 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अगर हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है तो उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, अगर हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने एतराज जताया। उदित राज बोले क्या दूसरे धर्म खत्म हो गए हैं, सिख जैन बौद्ध धर्म क्या खत्म हुए। बीजेपी त्रिपुरा में आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची, सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम बिप्लव देव की विधानसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। कल बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम पर गहरा मंथन किया था, बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक चुनाव लड़ सकती है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 134वां दिन है, कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग के अवंतीपुरा से यात्रा शुरू हुई, हाफ जैकेट में दिख रहे हैं राहुल गांधी। राहुल की यात्रा को समर्थन देने के लिए पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपने परिवार के साथ यात्रा में शामिल हुई, आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में होंगी शामिल। कल हुई सुरक्षा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी है, खड़गे ने मांग की है कि 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर पर्याप्त सुरक्षा मिले। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस घेरा एन वक्त पर पूरी तरह से ध्वस्त। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भीड़ प्रबंध करना प्रशासन का काम है, राहुल ने ऐसी लापरवाही दोबारा न होने को लेकर किया आगाह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल की सुरक्षा में चूक को गंभीर बताया, खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा चूक की वजह से देश 2 PM और कई नेता खो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत जोड़ो यात्रा से सुरक्षा चूक से किया इनकार, कहा यात्रा में अधिकृत लोगों को ही चलने की इजाजत थी, फिर भीड़ क्यों बुलाया गया। बीजेपी ने राहुल की सुरक्षा चूक को सियासी स्टंट करार दिया है, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा भारत जोड़ो यात्रा को लाइमलाइट में रखने के लिए यह सब ड्रामा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी, कहा गुजरात दंगों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है आखिरी फैसला। शशि थरूर ने कहा भारत इस त्रासदी से आगे बढ़ गया है और लोगों को लगता है कि इस मामले को पीछे रखा जाना चाहिए। बीबीसी की गुजरात दंगे पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ा बवाल, दिल्ली के JNU से शुरू हुआ विवाद अब देश के दूसरे शिक्षण संस्थानों में भी पहुंचा। शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश नाकाम हुई, पुलिस ने रुकवाई स्क्रीनिंग, आज फैकल्टी में घुसकर 24 छात्रों को हिरासत में लिया। NSUI, भीम आर्मी सहित कुछ छात्र संगठनों ने स्क्रीनिंग का ऐलान किया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, यूनिवर्सिटी कैंपस में धारा 144 लागू। दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की खबर है, हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस की बिजली काट दी, जिसके बाद छात्रों ने फोन और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखी। दिल्ली और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के विरोध में ABVP के छात्रों ने जमकर बवाल किया और तोड़फोड़ की। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश हुई, संस्थान के प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम ने से जुड़े छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर आवाज बुलंद की। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई, शुक्रवार को स्क्रीनिंग के दौरान कॉलेज की कटी बिजली, छात्रों ने जमकर किया हंगामा और नारेबाजी।
धनबाद में एक अस्पताल में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा, अग्निकांड में डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की हुई मौत। आग इतनी प्रचंड थी कि लपटों को दूर दूर तक देखा गया। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अस्पताल में भर्ती सभी मरीज सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। दिल्ली में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया। हादसे में 2 की मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी, एक युवक हवा में उछलकर कार की छत पर गिरा, दूसरा युवक उछलकर कार की विंड स्क्रीन और बोनट के बीच फंस गया। हादसे के बाद आरोपियों ने कार रोकने की बजाय मौके से भगा दी और 300 मीटर तक घसीटा, लेकिन पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मियों ने कार में सवार सभी 5 लोगों को पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे की इलाज के दौरान हुई मौत, इस पर हुआ हंगामा, परिवार ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। भागलपुर में अश्विनी चौबे के भाई का इलाज चल रहा था। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर के मौजूद न होने से लापरवाही बरती गई। निर्मल चौबे की मौत के बाद अस्पताल को लोगों ने घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया। अस्पताल अधीक्षक ने 2 डॉक्टर्स को निलंबित किया। विवादों में घिरे बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के दिव्य योग्य में आचार्य बालकृष्ण से मिले धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हरिद्वार पहुंचकर अद्भुत अनुभूति प्राप्त हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने आचार्य बालकृष्ण को अपना बड़ा भाई बताया। थोड़ी देर बाद छतरपुर वापस लौट गए धीरेन्द्र शास्त्री। चार धाम के श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज आई है। चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा कर दी गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। प्रसिद्ध गाडू घड़ा कलश यात्रा 12 अप्रैल से शुरू होगी। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, कसाई टोले में हुई झड़प का वीडियो वायरल, कई लोगों ने जख्मी होने की खबर, तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 8.5 किलो का सोना बरामद किया। 4.25 करोड़ की कीमत के सोने के साथ शारजाह से मुंबई पहुंचे 11 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में 1 महीना से लापता 3 सगी बहनों का अब तक नहीं मिला सुराग। पीड़ित परिवार ने एसपी से मिलकर बेटियों की बरामदगी की लगाई गुहार। यूपी के नोएडा में महिला वकील ने 15वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। सेक्टर 74 की सोसाइटी में रहने वाली 27 साल की सोमा पांडे काफी दिनों से डिप्रेशन में थी। पटना में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी। बिहार के नालंदा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प। नूरसराय थाना के हेगनपुरा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। तलवार से हमले हुए, 4 लोग जख्मी हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मोड़ कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत। 280 दिन बाद रिहा हुआ आशीष, दिल्ली यूपी में रहने की इजाजत नहीं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को मिली जान से मारने की धमकी। बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया केस। मुंबई की विशेष अदालत ने पुणे के यरवदा जेल में बंद पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेने के दिए निर्देश। प्रदीप शर्मा एंटेलिया बम कांड मामले में आरोपी है, फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय। 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर, मची अफरा तफरी। हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती के लिए पहुंचाने। मोदीनगर के गोविंदपुरी में 2 पक्षों के बीच कबूतरबाजी को लेकर बवाल हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर की मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड की राजधानी रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 10 लाख के इनामी पीएलएफआई रीजनल कमांडर और उसका सहयोगी गिरफ्तार। 1 राइफल, 2 बंदूक और कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सूरन कोर्ट में 1 महिला की गोली लगने से मौत। मृत महिला का पति बीडीसी सदस्य, उसकी राइफल से चली गोली। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, जांच शुरू।
यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग छात्रा के अगवा करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। गोविंदपुरम इलाके में हुई इस घटना में आरोपी युवक दूसरे समुदाय का है। गुजरात में सूरत के उधना इलाके में कार शोरूम में आग लगने की घटना, घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल सड़क हादसे में बाल बाल बचे। गोरखपुर जाने के दौरान डुमरियागंज सांसद की गाड़ी नील गाय से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हॉरर किलिंग की एक बेहद ही चौंकाने वाली वारदात सामने आई। परिवार ने बेटी की हत्या करके शव के राख को नाले में बहाया। 3 दिनों से बच्चे के लापता होने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। पूछताछ के दौरान हत्या का राज खुला। पुलिस ने माता पिता, मामा और 2 भाई को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन तक हुई बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन और ग्लेशियर टूटने का दौर शुरू। चंबा जिले के पांगी और भरमौर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हिमस्खलन से राजमार्ग बंद। बर्फबारी से राज्य भर में सड़कें अवरुद्ध, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल सुरंग राजमार्ग पर भारी बर्फबारी, यातायात हुआ प्रभावित, प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप और नाथा टॉप हिल स्टेशन में हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों के खिले चेहरे। हिल स्टेशन में भारी बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। फिल्म फेस्टिवल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 5 दिन में 14 देशों की 58 फिल्मों के को स्क्रीन पर लाया जाएगा। भारत के लिए अपनी उम्दा फिल्मों को दुनिया तक पहुंचाने का ये अवसर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के साधु संत। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने कहा साधु संत भगवान के भक्त हैं, वो उनके कहने से आतंकवादी जल्लाद नहीं हो जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया। लोगों ने सीएम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। सीएम ने 100 करोड़ रुपए का बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ा तनाव। यरूशलम में एक यहूदी पूजा घर में गोलीबारी हुई, 8 लोगों की हुई मौत। गोलीबारी में 10 लोग घायल हुए हैं। इसराइल ने पूजा घर पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया है। इसराइल यहूदी उपासना स्थल में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मौके पर ही ढेर किया। भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। दोनों देशों के बीच सिंधु के जल बंटवारे को लेकर 1960 में समझौता हुआ था। ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने यूके हाईकोर्ट में फिर दायर की याचिका। ब्रिटेन सरकार के प्रत्यर्पित किए जाने के फैसले को भंडारी ने दी थी चुनौती। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लगाया बड़ा आरोप। जरदारी पर अपनी हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी गिरफ्तार। पीटीआई प्रमुख इमरान ने फवाद की गिरफ्तारी को उन्हें चुप कराने की नापाक कोशिश बताया। शिवसेना नेता राहुल कनाल की शादी में बॉलीवुड का लगा जमावड़ा। सलमान खान ने परिवार समेत राहुल कनाल की शादी में की शिरकत। शादी सेरेमनी में टीवी स्टार जय भानुशाली, मनीष पॉल और बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अब्दुल रोजिक भी पहुंचे। शादी का वीडियो वायरल। कार्तिक आर्यन ने इंदौर में फिल्म शहजादा का किया प्रमोशन। फिल्म 10 फरवरी को थिएटर में रिलीज होगी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना मुंबई में हुए स्पॉट। दोनों ने एक साथ हार्ट बनाकर मीडिया को दिया पोज। एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी मसाबा ने की दूसरी शादी। एक्टर सत्यदीप मिश्रा के साथ बंधन में बंधी मसाबा। वेडिंग सेलिब्रेशन के इवेंट पर पिता रिचर्ड भी पहुंचे। फिल्म यारियां 2 का पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म इसी साल 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फ्रीडम फाइटर उषा मेहता की बायोपिक में नजर आएंगी सारा अली खान। सारा की फिल्म से जुड़ी पहली तस्वीर वायरल हो रही है। सनी देओल की अवेटेड फिल्म गदर 2 का पहला पोस्टर आउट हुआ। फिल्म 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। संजय दत्त अर्षद वारसी जल्द ही एक साथ फिल्म में आएंगे नजर। फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर रिलीज हुआ है। फिलहाल फिल्म का नाम साझा नहीं किया गया है। झारखंड के रांची में न्यूजीलैंड ने पहला T20 मैच 21 रनों से जीता। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। सुंदर ने तूफानी 50 जमाने के साथ 2 विकेट भी लिए।
टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में पृथ्वी शॉ को शामिल न किए जाने से प्रशंसक नाराज, सोशल मीडिया पर शुभमन गिल को किया गया ट्रोल। रांची में हुए पहले T20 मैच को देखने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे, साथ में पत्नी साक्षी भी आई नजर। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल की शादी का नाडियाड में रिसेप्शन हुआ, अक्षर ने अपनी गर्लफ्रेंड मेहा पटेल से शादी की। जंगराब ओपन प्री रेसलिंग में भारत के स्टार रेसलर्स ने नाम वापस लिया, बजरंग पुनिया, विघ्नेश फोगाट सहित 8 पहलवानों ने खेल महासंघ विवाद की वजह से तैयारी का मौका न मिल पाने का